बिलासपुर दारोगा और थाने के मुंशी को निगरानी की टीम ने शुक्रवार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद निगरानी की टीम उसे अपने साथ पटना ले गई। मामला जिले के देवधा थाने का है। बताया जाता है कि मारपीट के एक मामले में थाने में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में थाना क्षेत्र के ऋषिकेश कुमार से अनुसंधान के लिए 30,000 घूस मांगने की शिकायत निगरानी से की गई थी। शिकायत के बाद निगरानी टीम के नेतृत्ववर्ता डीएसपी एसके मौर्य की टीम में शामिल डीएसपी अरुणोदय पांडे, डीएसपी राजीव कुमार सिंह, इंस्पेक्टर संजय चतुर्वेदी, श्याम बाबू प्रसाद, ऋषिकेश सिंह और सब इंस्पेक्टर गणेश कुमार सहित 13 सदस्यों ने छानबीन की। इसके बाद शुक्रवार की सुबह ही जाल बिछा दिया गया। इस दौरान चाय की दुकान पर रुपए देने की बात हुई। रुपए देने के समय थाने के दरोगा सुभाष चंद्र राम और मुंशी का काम करने वाले रामप्रीत पासवान को निगरानी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हाँ, देवधा थाना के ही ऋषिकेश कुमार निगरानी में कंप्लेन किए थे। देवधा थाना के एएसआई सुभाष चंद्र राम है, कांड संख्या 110-121 में इन लोगों का केस में, हाँ, ये करने के लिए उनसे मैंने 26,000 रुपया की मांग किए थे। तो इसका शिकायत उठा करके निगरानी में किए थे। निगरानी से सत्यापन हुआ, सत्यापन के पश्चात बात सही पाई गई। उसी क्रम में आज चौकीदार रामप्रीत पासवान और एएसआई सुभाष चंद्र राम को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। सर, कितना रिश्वत की राशि थी? 26,000 रुपया। इनके कंप्लेंट कौन करते हैं? ऋषिकेश कुमार हैं, देवधा थाना के ही रहने वाले हैं। इनका केस का मैटर था, उसी सिलसिले में। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।